लक्ष्मी मंत्र में हर हफ्ते हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी बातें आपको समझाते हैं। इस पूरे शो से हमारा बस एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली महिलाएं, आर्थिक रूप से सक्षम बने। उसी ऑब्जेक्टिव को आगे ले जाते हुए आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगी जो कोई भी महिला कहीं भी बैठे हुए घर बैठे शुरू कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी, आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं। और आप आगे बढ़ें उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ है, ताकि हर हफ्ते जो हम पैसे कमाने से लेकर पैसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी अलग अलग चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं, उससे आप कभी मिस ना करें। अगर किसी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है और अगर आपके अंदर एक स्किल है कि आप दूसरों को इफेक्टिवली कोई चीज सिखा सकते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन टीचर बन सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके अलावा आप आज की तारीख में योगा, डांस, एरोबिक्स, कुकिंग, निटिंग या कोई आर्ट फॉर्म, आप ये सारी चीजें लोगों को ऑनलाइन सिखा सकते हैं एंड यू कैन चार्ज अ फी फॉर इट। तो शुरुआत कैसे की जाए? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक स्किल को फिगर आउट करिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। फिर किसी से कहकर एक पोस्टर बनवाइए जिसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर और फीस लिखी हो, और फिर उसे सोशल मीडिया पर गूगल फॉर्म की लिंक के साथ डाल दीजिए। तो अगर किसी को आपसे कुछ सीखना है तो वो उस गूगल फॉर्म के जरिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको अपनी डिटेल्स देंगे और आप उन्हें ऑनलाइन पेमेंट का लिंक दे सकती हैं, एक क्यूआर कोड दे सकती हैं और अपना फीस लेकर एक टाइम और डेट सेट करके अपनी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस शुरू कर सकती हैं। दूसरा जॉब है वर्चुअल असिस्टेंट का। वर्चुअल असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट की तरह ही होते हैं, जो अलग अलग कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स के साथ, मैनेजर्स के साथ काम करते हैं और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में मदद करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको कुछ खास क्वालिफिकेशन की जरूरत तो नहीं होती है, बट ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशंस बनाने आने चाहिए, ईमेल का रिप्लाई करना आना चाहिए, कैलेंडर को शेड्यूल करके मैनेज करना आना चाहिए, टिकट बुकिंग करवानी आनी चाहिए, एटसेट्रा। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप खुद बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप लिंक्डइन पर जाकर अलग अलग कंपनीज के मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, स्टार्टअप फाउंडर्स, उनको रीच आउट करिए, उनको अपनी स्किल के बारे में बताइए और उन्हें बताइए कि कैसे आप उनकी लाइफ ईजी कर सकते हैं। इन ऑल गुड चांसेस हर स्टार्टअप फाउंडर को एक ना एक वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत तो होती ही है। तीसरा वर्क फ्रॉम होम जॉब है लैंग्वेज एक्सपर्ट। अगर आपका किसी भी लैंग्वेज पर कमांड अच्छा है, एंड बाय दैट आई मीन कोई भी लैंग्वेज, तो आप एक लैंग्वेज एक्सपर्ट का काम भी कर सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, उन्हें ऐसे कई लोगों की जरूरत पड़ती है जो दूसरी कंट्रीज के लोगों की लैंग्वेज को समझकर उनके लिए ट्रांसलेट कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पर जाकर टाइप करिए लैंग्वेज एक्सपर्ट जॉब्स और जो अलग अलग जॉब ओपनिंग्स है उसके लिए अप्लाई करिए। चौथा जॉब है टेलीकॉलिंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो उनके डोमेन में आपको ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के बाद वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग कस्टमर्स को, अलग अलग लोगों को कॉल करके इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में बताते हैं। और एक टिप, यूजुअली सारी कंपनीज महिलाओं को टेलीकॉलिंग जॉब के लिए ज्यादा प्रेफर करती हैं, बिकॉज महिलाओं की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और रिलेटिवली वो ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं। पांचवा जॉब है ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का, जिनका काम होता है किसी भी ऑडियो को सुनकर उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना। ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की जरूरत रिसर्चर्स, रिपोर्टर्स और ऐसी कई सारी जगह पर होती है जहां इन्फॉर्मेशन ऑडियो फॉर्मेट में आता है लेकिन उससे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो अगर आपको लगता है आप एक अच्छी ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन सकते हैं, तो ऑनलाइन गूगल पर जाकर ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की फ्रीलांस जॉब्स के बारे में सर्च करिए, उन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए और घर बैठे बैठे कमाना शुरू करिए। तो अब चलते हैं टास्क ऑफ द डे की तरफ, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर बैठे जल्द से जल्द जॉब करना शुरू करना चाहते हैं। नंबर वन, आज के वीडियो में बताए गए अलग अलग स्किल्स में से अगर आपको लगता है कि किसी भी जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं, तो उस जॉब के बारे में रिसर्च करना शुरू करिए। देखिए कि उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कितना समय चाहिएगा। नंबर टू, आपकी रिसर्च हो जाए उसके बाद लिंक्डइन पर, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी एक प्रोफाइल बनाइए और उसे कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहिए और जॉब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करते रहिए।
अगर ये टास्क करने में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि हम जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्या पता किससे उनका नया ड्रीम जॉब मिल जाए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ।